फोल खोल पोस्ट की मासिक पत्रिका में विज्ञापन और समाचार देने के लिए संपर्क करें 07805-266-080। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। दिल्ली विधानसभा में शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री राजीव गांधी को दिए गए भारत रत्न को वापस लेने की मांग उठी। इस संबंध में उस उक्त अजीबोगरीब मीडिया में यह खबर आई है कि राजीव गांधी से भारत रत्न लेने का यह प्रस्ताव पास हो गया। इसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्टी प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने मामले पर सफाई दी। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि स्वर्गीय राजीव गांधी से जुड़ी लाइनें प्रस्ताव का हिस्सा नहीं थे। एक विधायक ने राजीव गांधी से जुड़ी लाइनें अपने हाथों से प्रस्ताव पर लिख दी। उन्होंने कहा, इस तरीके प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। हालांकि विधानसभा में नेता विपक्ष और बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने ट्वीट करके यह दावा किया है कि राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेने का प्रस्ताव पास हो गया है और अब यह सदन की कार्रवाई का अंग बन गया है। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोध दंगों से संबंधित एक मामले में दोषी ठहराते हुए उन्हें ताम्र कैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने कहा कि ये दंगे मानवता के खिलाफ अपराध थे और कानून लागू करने वाली एजेंसियों की मदद से उन लोगों द्वारा किए गए जिन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। हमारे चैनल में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में निरंतर भेजते रहिए। एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ और भी नजदीकी से बने रहिए। नमस्कार। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें और डाउनलोड करें पोल खोल पोस्ट बाय यूट्यूब और फेसबुक से तेज समाचार।